तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे यूजर फॉर्म के बारे में। जी हाँ, यूजर फॉर्म के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूजर फॉर्म कैसे डिजाइन किया जाता है। आज की क्लास में इसकी कोडिंग हम नहीं समझाएंगे, बट हम डिजाइनिंग समझाएंगे ताकि हम कल उस पर कोड कर सके। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको हम होमवर्क देंगे, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित जी और जितेंद्र जी। चलिए जितेंद्र जी शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूजर फॉर्म की। यूजर फॉर्म पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर यूजर फॉर्म का बेसिकली यूज होता क्या है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यूजर फॉर्म का यूज होता है, वो होता है हमारा इंटरफेस के लिए। जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पॉपअप आता है। ये पॉपअप क्यों दिया गया कि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कमांड्स हैं, उसके अंदर में कैटराइज किया गया है, सिक्वेंस किया गया है, जिसको हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यूजर फॉर्म डिजाइनिंग के। तो हम डेवलपर बार में जाएंगे और यहाँ विजुअल बेसिक जाएंगे। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है आपको यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म इस तरह से इंस्टॉल होगा। जैसे यूजर फॉर्म आएगा तो उसके साथ आपके सामने टूल बॉक्स भी आ जाएगा। अगर टूल बॉक्स इन फ्यूचर नहीं आता है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास टूल बॉक्स अपीयर हो जाएगा, और टूल बॉक्स में सारे फीचर्स होते हैं। इसके बाद यूजर फॉर्म को अपने हिसाब से जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए एक लॉगिन फॉर्म बनाना है, तो हमने इसके हिसाब से साइज लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर फॉर्म वन, मैं चाहता हूं कि यूजर फॉर्म वन यहाँ पे लिखा हुआ नार, क्या लिखा हुआ इस पे? यूजर फॉर्म की जगह पे यहाँ पे लॉगिन लिखा है। तो यूजर फॉर्म को जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ नीचे यूजर फॉर्म का प्रॉपर्टीज दिखता है, और हेडिंग को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ कैप्शन, यहाँ पे देते हैं लॉगिन, और लॉगिन यहाँ पे सामने आ गया। अब लॉगिन है मतलब बाहर जब अपीयर होगा तो कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद मान लीजिए उसमें मुझे अपने चाहिए तो आपके सामने क्या क्या है, ये आपका एक आपका माउस पॉइंट देता है, ये आपका लेबल, और इसे कुछ लिखना हो तो लेबल के लिए लिखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स जब किसी से इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होता है, कॉम्बो बॉक्स आपको ड्रॉप डाउन चाहिए तो कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स आपको हमेशा लिस्ट में देना है तो लिस्ट हो जाएगा, चेक बॉक्स टिक का निशान लगाने के लिए, रेडियो बटन ऑप्शन कुछ के लिए, स्पाइन बटन होता है प्ले और प्ले ऑन ऑफ के लिए होता है, उसके बाद एक फ्रेम होता है कैटेगरी के लिए होता है, एक कमांड बटन होते हैं, ये आपका टैब स्क्रिप्ट होता है, कई सारे टैब बनाना है, आपका मल्टी पेज होता है। मल्टी पेज जैसे कि आप यहाँ अभी देखा आपने अलाइनमेंट में मैंने दिखाया था, ये मल्टी पेज का पार्ट है, ये सारा मल्टी पेज, इस तरह की मल्टी पेजेस बनाने हो तो ये मल्टी पेज यूज होता है। स्क्रॉल बार, अगर आपको इस तरह का स्क्रॉल बार चाहिए तो स्क्रॉल बार यूज करते हैं। आपको यहाँ पे आता है स्पाइन बटन, ये आपको नेक्स्ट प्रीवियस चाहिए तो स्पाइन बटन होता है, और ये आपका इमेज होते हैं, ये आपका विंडो मीडिया प्लेयर है, या बाकी और भी चीजें हम एडिशनल कंट्रोल में जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, तो हमने लेबल को लिया और लेबल को मैंने यहाँ पे टाइप कर रहा, और यहां पे हमने दे दिया यूजर नेम, यूजर नेम। अब मुझे इस पे डबल क्लिक इस पे करूंगा तो मेरा आपके सामने ऑटो फिट हो जाएगा, और इसके बाद मैंने यहां पे टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहां पे हमने यूजर फॉर्म दे दिया। उसके बाद आता है मैं एक और लेता हूं पासवर्ड के लिए, यहां हमारा पासवर्ड को भी डबल क्लिक कर देता हूं, और उसके बाद मैं यहां से अपना
पासवर्ड का डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ बटन लॉगिन, और आपने देखा होगा कि हर जगह पे यहाँ पे कैंसिल बटन यहाँ होता है, यहाँ मैं कैंसिल बटन दे देता हूँ। कैंसिल या क्लियर भी होता है तो क्लियर भी दे सकते हैं। अब इसमें इसकी फॉर्मेटिंग की बात आती है, जैसे पहले देखिए दोनों अरेंज नहीं है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट के साथ यूज करेंगे, दोनों साथ स्लैप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हम फॉर्मेट में अलाइन, अलाइन लेफ्ट कर दिया, अलाइन हो गया, और इसको भी सिलेक्ट करके मैं अलाइन कर देता हूँ, अलाइन लेफ्ट। उसके बाद इसमें एक और आता है मेक ए सेम साइज, मतलब कि दोनों का साइज अगर आपको लग रहा है कि आगे पीछे कोई बड़ा हो गया है कोई छोटा हो गया है, तो यहाँ पे बोथ पे क्लिक कीजिए, चौड़ाई और विड्थ दोनों एक ही हो जाएगा। अब इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का आपका यूजर फॉर्म आएगा। अब मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम और यहाँ पासवर्ड डालूंगा और लॉगिन पे क्लिक करूंगा, पर पासवर्ड तो यहाँ दिख रहा है ना, जैसे पासवर्ड पे स्टार हो गया ना, ये कैसे होगा? तो इसके लिए इसकी प्रॉपर्टी, अब देखिए हमने इससे पहले जो प्रॉपर्टी चेंज की थी वो पूरी की पूरी यूजर फॉर्म की चेंज कर दी, बट यहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की करनी है। तो जो जिस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ नीचे देखेंगे आपको पास करेक्टर आएगा, क्या आएगा? पास करेक्टर ऊपर है, पासवर्ड करेक्टर। अब इसमें जरूरी नहीं कि आप स्टार ही डाले, आप यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे स्टार हमने किया। अब प्ले करता हूं, सॉरी सर। तो यहाँ हमने यूजर फॉर्म पे आते हैं, तो यहाँ आप प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे करेक्टर आपका किस तरह से होगा, ठीक है? तो यूजर फॉर्म डिजाइन करना होगा। अब कई सारे यूजर फॉर्म भी दे सकते हैं, दूसरा यूजर फॉर्म ले लिया, अब इसमें कुछ और बनाना है आपको, स्क्रॉल कीजिए और यहाँ से जो बटन उठाने हैं वो बटन को डालिए। अब कोड कहाँ करेंगे, तो कोड जैसे कि आपको कब परफॉर्म करना है, जैसे कि मान लीजिए हमने ये बटन बनाया, तो मुझे इस पे जब इस पे मैसेज टाइप हो और जब लॉगिन पे क्लिक हो तो मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड को चेक करे, तो यहाँ लॉगिन के ऊपर डबल क्लिक होगा और यहाँ पे होगा। और इसमें भी कई सारे इवेंट है, जैसे आपने इवेंट माइक्रो पढ़ा था, तो यहाँ भी आपके सामने इवेंट है जिसमें यहाँ पे आप बताया गया है कि क्या होगा, बिफोर ड्रैग ड्रॉप ये ओवर क्लिक एंटर दिख रहा होगा आपको, स्क्रॉल माउस डाउन माउस प्रेस माउस ऑफ माउस डाउन माउस मूव माउस अप, जैसे मैंने माउस अप इसमें माउस अप पे गया और हमने बोल दिया मी डॉट कमांड बटन वन स्टॉप बैकग्राउंड बैक कलर इक्वल टू जी चल रहे। अब क्या होगा, अब जैसे मैं इसको प्ले करूंगा और मेरा कर्सर इसके ऊपर जाएगा, एड हो गया ना सर, इस तरह की आप इवेंट दे सकते हैं। तो अमित जी जितेंद्र जी, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मुझे आप जैसे कि आपको कुछ नहीं करना है, कुछ यूजर फॉर्म्स बना के मुझे देने ताकि मैं उसके बिहाफ से फिर आगे कोडिंग बताऊं। यूजर फॉर्म में आपको कोडिंग नहीं करना है, क्या करना है आपको, जस्ट डिजाइन करना है, ओके? क्योंकि पहले आप डिजाइन देखिए यूजर फॉर्म, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, अगर आपको आइडिया नहीं आता है गूगल पर यूजर फॉर्म सिलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे यूजर फॉर्म के आइडिया आ जाएंगे।
इसमें से आप जो यूजर फॉर्म अच्छा लग रहा हो वो यूजर फॉर्म आप यूज कीजिए और मुझे भेजिए। कल फिर इसके ऊपर हम आपको इसकी कोडिंग समझाएंगे।